मौजूदा वक्त में साइबर क्राइम सभ्य समाज के लिए एक बड़ी चुनौती है। साइबर अपराधियों के नए नए तरीकों को देखकर पुलिस भी हैरान है। पहले झारखंड के जामताड़ा और हरियाणा के नूह को देश के बड़े साइबर अपराध केंद्रों के रूप में जाना जाता था। अब राजस्थान का भरतपुर और उत्तर प्रदेश का मथुरा नए साइबर क्राइम केंद्रों के रूप में उभरे हैं। इस दावे के पीछे एक ठोस अध्ययन है। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर के एक स्टार्टअप ने अपने अध्ययन में यह सनसनीखेज दावा किया। IIT कानपुर में स्थापित एक गैर लाभकारी स्टार्टअप फ्यूचर क्राइम रिसर्च फाउंडेशन ने अपने नवीनतम अध्ययन पत्र ए डीप डाइव इनटू साइबर क्राइम ट्रेंड्स इंपैक्टिंग इंडिया में कहा है, देश के 10 जिले ऐसे हैं जहां से 80% साइबर अपराधों को अंजाम दिया जाता है। संगठन का दावा है कि भरतपुर से 18% जबकि मथुरा से 12% साइबर अपराधों को अंजाम दिया जाता है। हरियाणा के नूह से 11% जबकि झारखंड के देवघर से 10% साइबर अपराध अंजाम दिए जा रहे हैं। वहीं जामताड़ा से 9.6% जबकि गुरुग्राम से 8.1% साइबर अपराध अंजाम दिए जा रहे हैं। अलवर से 5.1%, बोकारो से 2.4% जबकि करमाटांड से 2.4% और गिरिडीह से 2.3% साइबर अपराध के मामले अंजाम दिए जा रहे हैं। कुल मिलाकर देश के 80% साइबर अपराधों को इन 10 जिलों से अंजाम दिया जाता है। FCRF के सह संस्थापक हर्षवर्धन सिंह ने बताया कि हमारा विश्लेषण भारत के 10 जिलों पर केंद्रित था जहां से सबसे अधिक साइबर अपराध को अंजाम दिया जाता है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।